सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, इस समय चल रहा है पितृपक्ष, और कुछ लोग कल से और कुछ लोग आज से पितृपक्ष की शुरुआत का दिन मान रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि इन 15 दिनों में हमें अपने पितरों के लिए भोजन देना चाहिए, जल देना चाहिए, और हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे हमारे पितर इन 15 दिनों में पूरी तरीके से तृप्त होके जाएं और साल भर उनको उसी भोजन से, उसी जल से इतनी तृप्ति मिली रहे कि वो हमें बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दें। क्योंकि आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि देवी देवताओं का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। भगवान की मर्ज़ी के हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन एक बात ये भी आप अपने ध्यान में रखिए कि हमारे जो पितृदेव होते हैं, यानी कि हमारे वो परिजन जो दिवंगत हो चुके हैं, उन्हें हम अपने पितृदेव मानते हैं, तो वो अगर आशीर्वाद आपको नहीं दे रहे हैं, अगर वो आपसे क्रोधित हैं, अगर वो उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा कर्म करते रहिए, आप कितने भी अच्छे कार्यों को करते रहिए, लेकिन कुछ ना कुछ दोस्तों प्रॉब्लम आपके जीवन में बनी ही रहेगी। तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैं खुद करती हूँ वो ही उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप उन छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन में भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ अपने पितृदेवता का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, कुछ आपको छोटे छोटे जो उपाय करने हैं या जो कार्य करने हैं, उनको अच्छी तरीके से सुन लीजिए। पितृदोष के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि पितृदोष जब लगता है तो क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती हैं। संतान संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, आपके घर में क्लेश ज़्यादा हो सकता है, आपके घर में उन्नति रुक सकती है, आपके घर में मतलब खाने में बाल का बार बार निकलना या आपकी तबीयत का बार बार बिगड़ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं पितृदोष के कारण आपके जीवन में आने लगती हैं, जिसे सही करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ उसे करके देखिएगा, और 15 दिन रेगुलर इसको करना है। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जो महिलाएँ इन कार्यों को करेंगी, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को करने से क्या होता है कि अगर घर की बहू पितृपक्ष के समय कुछ करती है तो उसका आशीर्वाद, जो पितरों का आशीर्वाद जो होता है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। और बहू अगर कोई कार्य करती है उससे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो बताने जा रही हूँ उपाय उन्हें सुन लीजिए। सबसे पहला एक नियम बना लीजिए कि कभी भी बिना स्नान किए आपको रसोई घर में नहीं जाना है। देखिए, इस समय क्या होता है कि महिलाएं क्या करती हैं, पहले खाने की तैयारी कर लेती हैं फिर नहाने के लिए जाती हैं। अगर आप ऐसे करती हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन पितृपक्ष भर आपको बिना स्नान किए किचन में नहीं जाना है। ठीक, खाना आपके घर में जो भी बने उसे एक थाली में आप खाने को निकाल लें, जो भी आपका खाना हो उसे अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा थाली में, ऐसे जैसे किसी को आप भोजन कराने के लिए जा रही हैं। सारा खाना आपने एक थाली में निकाल लिया, यानी कि ऐसे नहीं कि एक रोटी रख दी, सब्जी, इस तरीके से नहीं, अच्छे से खाना लगाइएगा कि आप अपने पितृ देवता को खिलाने के लिए ले जा रही हैं। लगाने के बाद उस थाली को आपके पितरों की जहाँ भी तस्वीर हो, दक्षिण दिशा की तरफ होती है वैसे तो तस्वीर, उस तस्वीर के आगे उस थाली को किसी मेज के ऊपर रख दीजिए, वहीं पे आपको थोड़ा सा पानी रख देना है। ऐसा आपको सुबह में और शाम को, यानी कि जब आपके पास आपके घर में दो टाइम खाना बनेगा तो आप दोनों टाइम इस तरीके से अपने पितरों के लिए खाना निकालिएगा और उस खाने को ले जाके आपको फिर गाय को खिला देनी है। उसी खाने से आपको थोड़ा सा भाग चींटियों को डाल देना है, उसी खाने से थोड़ा सा भाग आपको कुत्ते के लिए निकाल देना है, और उसी से थोड़ा सा भाग आपको कौवे के लिए निकाल देना है। ठीक है, ये आपको चार भाग इस तरीके से खाने के निकाल देने हैं। चींटी को थोड़ा सा दे दीजिएगा, कौवे के लिए थोड़ा सा रख दीजिएगा, कुत्ते को भी थोड़ा सा दे दीजिएगा, बाकी आप सारा कुछ गाय को खिला दीजिए। इस नियम को आपको पूरे पितृपक्ष भर करना है। यदि आप किसी कारण से, जैसे पीरियड से होती हैं, खाना नहीं बना पाती, तो आपके घर में जो भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आपके पति हैं, बेटे हैं, तो उनसे कुछ भी आप फल है, मिठाई है, इस तरीके से भोग लगवा के और फिर इसे चार भागों में बांट के
इसे आपको रोज करना है। ठीक, एक काम तो आपको ये सुबह में करना है नहाने के बाद। दूसरा आपको क्या करना है, भोजन बनाने के पहले या बाद में कभी भी, लेकिन उससे पहले आप कुछ खाना नहीं है। इस कार्य को करने से पहले आपको आपको अपने पितरों को जल देना है। जल देना दोस्तों बहुत सरल है। लोग सोचते हैं कि जल केवल पुरुषों को देना चाहिए, महिलाओं को नहीं देना चाहिए, लेकिन घर में अगर आपके सास ससुर नहीं है तो आपको भी जल देना चाहिए और बहुत अच्छा माना जाता है। एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें साफ जल भर लीजिए, थोड़ा सा काला तिल और खारा सा चावल डाल के आपको 3 बार ऐसे करके अंजलि में भर के अपने पितरों के नाम से जल को छोड़ देना है। किसी दूसरे पात्र में या आपके घर में कोई गमला वगैरह हो उसमें आप इस तरीके से जल दे दीजिए। जल देने के बाद आपको खाना जो है वो निकाल देना है भोग में। ठीक है, ये दो काम तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद आपको शाम होने के समय एक कड़वे तेल का दीपक जलाना है और उसे अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ आपको रखनी है। अगर जैसे आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं, आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस दिए को अपने घर की देहरी के आगे रख सकते हैं, और या आपके घर के पास कोई पीपल का पेड़ हो वहां भी आप रख सकते हैं अपने पितरों के नाम से। ये बराबर आपको 15 दिन करना होगा। ऐसा करने से आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और कितना भी भयंकर आपके ऊपर पितृ दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आपके जो काम है, जो बन नहीं रहे, बिगड़ रहे हैं, रुकावट आ रही है, वो सब आपकी खत्म हो जाएगी। एक दिया आपको जला के अपने पानी की, जो आपके घर में मटका हो, बाल्टी हो, जिस चीज में भी आप पानी रखते हैं, आजकल तो प्यूरीफायर लगा के रखते हैं लोग, तो आप प्यूरीफायर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा दिया जलाकर रख दीजिए। वो भी पितरों के नाम का ही होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हमारे घर का जो पानी का स्थान होता है वो पितरों को समर्पित होता है। तो आप एक दिया वहां पर रोजाना रखना शुरू कर दीजिए। 15 दिनों तक तो आपको ऐसा करना ही करना है। साबुन और तेल, कड़वे तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और सिंदूर, सिंदूर देखिए आप अपने मतलब मत लगाइए, सिंदूर के बिना भी आपको अगर कहीं जाना है, एक बार में क्या होता है कि सिंदूर आप अच्छे से लगा लीजिए शुरुआत में तो वो बना रहता है, और अगर आपको कहीं जाना हो तो आप सिंदूर की जगह बहुत सारे ऑप्शन है उसको, जैसे मैंने किया हुआ है लिपस्टिक से, इस तरीके से आप कर लीजिए। पर आपको सिंदूर नहीं लगाना है नया, मतलब आपको सिंदूर एक ही बार लगा लेना था कल, अगर आपके सास और ससुर जीवित नहीं है। अगर आपके सास ससुर में से कोई एक जीवित है तो शायद आपको उतना परहेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ससुर जो जीवित होते हैं तो वो उस कार्यों को करते रहते हैं, आपके ऊपर इतना नहीं आता है पितृपक्ष का। दोस्तों आप बाहर का खाना पीना मत खाइएगा, लहसुन प्याज आप नहीं खाइएगा, और अगर जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं, नॉनवेज वगैरह लेते हैं, उन्हें भी नहीं खाना है। इस बात को ध्यान में रखिए कि पितृपक्ष भर आपको इन चीज़ों से परहेज करना है। 15 दिन बिल्कुल सात्विक खाना आपको खाना है, जैसे मैंने बताया, आपको खाना निकालना है, जल देना है, और आपको शाम के समय एक दिया जलाना है। बस छोटे छोटे आपको कार्य करने हैं, और जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो उस दिन आप श्राद्ध कर दीजिए, साथ जो आपसे बन सके वो कर दीजिए। अगर आपको तिथि नहीं पता तो अमावस्या वाले दिन आप सारे पितरों को एक साथ श्राद्ध करके विदा कर दीजिए। मैं तो वैसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे, मेरे घर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, मतलब बाबा जी हैं, दादी जी हैं, सास जी हैं, ससुर जी हैं, और एक आध और भी लोग हैं, तो मैं इतने सारे श्राद्ध नहीं कर पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अमावस्या वाले दिन श्राद्ध को कर लेती हूँ। और अगर आप श्राद्ध करने लायक नहीं है उस समय, तो आप कुछ भी जो आपके घर में कच्चा भोजन होता है वो किसी और से करवा के उस तरीके से भी आप ध्यान दान कर सकते हैं। 3 काम आपको याद से करने ही करने हैं, जल देना है, भोजन निकालना है और दीपक जलाना है। इन 3 कार्यों को अगर आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार का पितृ दोष दोस्तों कभी नहीं लग सकता। एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारे माँ बाप जब तक हैं तो हमें उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, उन्हें पूरे दिल से जितना हमसे बन सके करते रहिए, उन्हें प्यार कीजिए,
आपके ऊपर वैसे भी कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा। इस बात को हमेशा क्या कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी आपको दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जान सकें कि मात्र 3 सरल सरल से कार्यों को करने से आप अपने घर के पितृ दोष को खत्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।